नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माई अनादर यूट्यूब लर्निंग वीडियो। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में ही आज हम लोग देखने वाले हैं, एंड उसका नाम है हैमर। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो पैटर्न है उसके बारे में जो थियरी पार्ट है उसका वो हम लोग कवर करेंगे, एंड देन टेक्निकली उसको चार्ट में हम लोग कैसे फाइंड आउट करना है, चार्ट में उसे कैसे ट्रेड करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थियरी का कुछ हम लोग देख लेंगे, बिकॉज इसमें जो भी पैटर्न्स है उसमें थियरी पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसका कुछ रूल्स होता है। जब भी ये हैमर बनता है, हर दम हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, तो जब भी हैमर बनता है तो उसके पीछे कुछ सेट ऑफ रूल्स है, तो हमें चेक करना पड़ता है कि वो क्या वो हैमर उस सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं, एंड जब वो फॉलो करता है तभी हम क्या करते हैं उसमें ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक हैमर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसे देखते ही आपको समझ गया रहेगा कि ये क्या है, एक हैमर है। मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज दिस, ठीक है, ये है एक हैमर। एंड सेकेंडली हैमर तो है, लेकिन कौन सा हैमर है, विच टाइप ऑफ हैमर। लाइक हैमर में भी बहुत सारे हैमर है, बहुत सारे हैजिन, इसमें दो टाइप मेनली है, एक हैमर है एंड देन एक और है इन्वर्टेड हैमर, लेकिन वो हम लोग दूसरे एक वीडियो में कवर करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो मैं आपको इसका बेसिक्स जो है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट है ये हैमर, सेकेंड है ये है जैपनीज कैंडल स्टिक पैटर्न, इसको हम लोग बोल सकते हैं जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, एंड थर्ड जो है इसे हम क्या कहते, एक और चीज़ से कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न से कह सकते हैं। ठीक है, रिवर्सल बोलने से बेहतर होगा कि हम इसे ट्रेंड रिवर्सल कहे, बिकॉज ये जो है एक पूरा ट्रेंड चेंज करने वाली कैंडल है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। देखिए ये जो कैंडल है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ये एक पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ एक कैंडल है। ये पैटर्न कभी बनता है जब चार्ट में इसका जो पूरा जो पैटर्न रहता है, डाउन ट्रेंड से आकर नीचे जब ये बनता है उसके बाद जब ऊपर जाता है उसे हम कहते हैं कि पैटर्न। ठीक है, तो ये है एक कैंडलस्टिक इसको कहा जाता है, तो ये है एक हैमर। ठीक है, तो सेकेंडली हम लोग इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देखेंगे। तो इसके बारे में जब भी ये कैंडल बनता है चार्ट्स में, ठीक है, ये कैंडल को हम बहुत बार देखे रहेंगे चार्ट्स में। तो जब भी मैं बिगिनर था, ठीक है, जब मैं सीख रहा था, तो मैं इसके बारे में आधा अधूरा जो ज्ञान लेकर मैंने ट्रेड किया है बहुत बार, ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत बार भी लॉस हुआ है। सो इसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं कि जब भी ये पैटर्न फॉर्म होता है, जब भी हैमर हमें चार्ट में दिखता है, तो कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हमें चार्ट्स में चेक करना चाहिए एक ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, तो जब भी मैं पहले ट्रेड करता था तो जब भी हैमर दिख गया तो इसके बाद हमें पता रहता है कि बड़ा टारगेट है इसके पीछे, तो जब तुरंत एंट्री हो जाती थी तो और तुरंत स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता था। तो इस तरह से ट्रेड नहीं किया जाता है। तो मैं आपको आज इसके बारे में कुछ रूल्स, चार्ट में देखने से पहले कुछ रूल्स आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आप
कोई भी पैटर्न लीजिए जो चार्ट्स में, कोई भी पैटर्न आप देखेंगे तो उसमें हर एक पैटर्न का हर एक रूल्स होता है, ठीक है। इसका एक सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल मैं आपको बता देता हूँ, वो है सपोर्ट। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाकी चीज़ें जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा, ओके। तो सपोर्ट से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो कैंडल है इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होनी चाहिए, सपोर्ट पर होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, इसका फॉर्मेशन जो है सपोर्ट में होनी चाहिए। जब ये सपोर्ट में फॉर्म इस ये कैंडल बनेगी तभी ये वैलिड रहता है, वरना ये वैलिड नहीं रहता है, ओके। तो सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी ये जो कैंडल बनती है तो इसके पहले एक डाउन ट्रेंड के थ्रू इसको आना पड़ता है, ठीक है। मतलब देखिए, स्टॉक मार्केट एक कोई भी स्टॉक लीजिए, स्टॉक चल रही है एंड वो भी डाउन ट्रेंड में चल रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ये जो कैंडल बनता है वो डाउन ट्रेंड का एंड में बनता है, ओके। तो ये जो है डाउन ट्रेंड का एंड में इसे हम पाए जाते हैं, बाकी जगह में भी ये दिखती है लेकिन वो वैलिड नहीं रहती है। ये वैलिड कब होती है, जब ये डाउन ट्रेंड में ख़त्म होता है, जहाँ डाउन ट्रेंड वहाँ पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका जो है वो है नो अपर विक, ओके। नो अपर विक, अभी ये विक मतलब क्या, विक यानी क्या, अभी हम यहाँ पर ये जो हैमर देख रहे हैं ये एक कैंडल है, तो ये जो यहाँ पर है ये है ओपन, एक कैंडल का ओपनिंग है, ये जो है ये कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, एंड ये जो है ये कैंडल का लो है, ठीक है। ये है कैंडल का लो, तो इसका क्लोजिंग प्राइस से जितना नीचे गया है लो, जहाँ तक इसने लो बनाया है उसे कहा जाता है विक, उसे विक भी कहा जाता है और शैडो भी कहा जाता है। तो इसमें क्या लिखा है मैंने, थर्ड रूल आप देखेंगे तो नो अपर विक, तो इसमें क्या है, ऊपर की तरफ में इसको वीक नहीं रहना है, ये ओपन ओपनिंग प्राइस के ऊपर नहीं जाना है। तो बेसिकली ओपनिंग ओपन इक्वल टू क्लोज रहना है, या फिर बहुत मामूली सा एक छोटा सा वीक चल जाता है, लेकिन ना के बराबर इतना छोटा सा वीक रहना है, इतना बड़ा वीक सब नहीं चलता है। इतना बड़ा वीक बन गया तो समझो ये डोजी कैंडल बन गया। तो इसमें जो वीक है ना के बराबर या ना रहे तो उतना परफेक्ट होता है, ठीक है। तो अपर वीक इसमें नहीं रहना है। तो चौथा पॉइंट हम देखेंगे, फोर्थ रूल इज इसमें इसका कलर, कलर डजंट मैटर। फोर्थ रूल मैं किस लिए इतना इम्पोर्टेंटली कह रहा हूँ, ये एक्चुअली रूल है नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट में आने बहुत लोग ये मानते हैं कि जो कैंडल बना है इसके बाद जो अप ट्रेंड स्टार्ट होती है तो इसके कैंडल के कलर जो है ग्रीन कलर रहना चाहिए, अगर ग्रीन में रहेगा तभी मैं एंट्री लूँगा, ऐसा कहते हैं अनेक लोग, लेकिन उसमें मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता है। तो इसके जो कैंडल की कलर है रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए ये कैंडल को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी एंट्री हुई, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसकी एंट्री हुई है और यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, सेलर ने इसको यहाँ से इतना नीचे लेकर आया है, तो बेसिकली तो सेलर का पावर है इसमें, तो इसलिए कैंडल रेड बन सकती है। लेकिन नीचे से आए हैं जो बायर्स ने नीचे से इतना डोमिनेट किया है कि इसको नीचे से ऊपर की तरफ खींच कर लेकर गए हैं, ठीक है। तो इसमें दो चांसेस है, दो कैंडल का तो दो ही चांसेस रहती है, रेड या ग्रीन। तो बेसिकली सेलर्स ने ऊपर सेलर्स डोमिनेटेड थे इसलिए रेड भी बन सकती है, नीचे से बायर्स ने डोमिनेट किया है तो ग्रीन भी बन सकती है। तो बेसिकली इसमें जो है इसका जो कलर है उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसका बहुत इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी नेक्स्ट कैंडल में क्या होना है, नेक्स्ट कैंडल में बाइंग होना है। लिख देता हूँ,
बाइंग शुड हैपन, शुड लिखे या मस्ट लिखे, मस्ट नहीं लिख सकते लेकिन शुड लिख सकते हैं, बिकॉज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये क्या पैटर्न फेल भी हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो पैटर्न फेल है, अगर हुआ है तो पैटर्न ओके है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट कैंडल है, तो जब भी हैमर बनता है तो हैमर के बाद वाली जो कैंडल है तो उसमें बाइंग होना ही कंपलसरी है, जब भी अगर बाइंग हो तभी ही हमें एंट्री लेनी है, अगर बाइंग नहीं हो तो हमें एंट्री नहीं लेना है। अगर बाइंग हो उसके बाद भी हमें क्या करना है, मैं बताता हूँ 6 पॉइंट, हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। कंफर्मेशन, बाइंग हो गई इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें सीधा कूद जाना है, बाइंग हो उसके बाद भी हमें क्या करना है, कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताया है इसमें। सबसे पहले ये हैमर जो है सपोर्ट में फॉर्म होना है, दूसरा ये डाउन ट्रेंड का एंड में इसका फॉर्मेशन होना है, तीसरा इसमें कोई वीक नहीं रहना है, चौथा इसका जो कलर है उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फिफ्थ इसका नेक्स्ट कैंडल में बाइंग होना है, सिक्स्थ हमें क्या करना है, कन्फर्मेशन के लिए वेट करना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको चार्ट्स में लेकर चलता हूँ, ये आज की बैंक निफ्टी की चार्ट है, ठीक है, ये डे कैंडल, मैं आपको 15 मिनट्स कैंडल में ले चलता हूँ। तो आज बेसिकली मैंने इसमें ट्रेड भी लिया था, मेरे जो मेंबर्स है टेलीग्राम के उनको भी मैंने ट्रेड्स दिया था इसके बेसिस में, तो मैं आपको उसके बेसिस में बताता हूँ कि हमने कैसा ट्रेड लिया था, ठीक है। तो आज की जो ओपनिंग हुई थी, मैं आपको आज की ओपनिंग बता देता हूँ, ये जो प्राइस है यहाँ पर इसकी आज की ओपनिंग हुई, ठीक है। ये जो बाकी है ये कल का पिछला ट्रेडिंग डे का है, ये जो है ये कल का है, आज की ओपनिंग इसकी यहाँ पर हुई, ओके। तो आज का ट्रेडिंग आप देखेंगे, एक मिनट, हाँ तो ये आज का कैंडल यहाँ से ओपन, यहाँ ओपन हुआ, हाई गया और यहाँ से नीचे आया, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता है एक हैमर, कहाँ पर हैमर दिखता है, यहाँ पर एक हैमर दिखता है। तो बेसिकली ये जो हैमर है एक बड़ा डाउन ट्रेंड के बाद आता है, तो यहाँ से भी यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड है, अगर आप चेक करेंगे तो ये लगभग 300 पॉइंट्स की फॉल थी यहाँ से यहाँ तक की। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ये बता रहा हूँ, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली मेरा टारगेट यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हम लोग यहीं पे निकल गए, तो बिकॉज़ मैंने ठीक से नोटिस नहीं किया, ठीक है। मैंने कल की चार्ट को कंसीडर नहीं किया था, सिर्फ आज का चार्ट को कंसीडर किया था, इसलिए हम जल्दी निकल गए आज। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे जो रूल्स है हम लोग ने देखा था, वो रूल्स इसमें जो पूरा होता है या नहीं होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल हमने क्या देखा था, ये सपोर्ट में फॉर्म, इसका फॉर्मेशन जो है सपोर्ट में होना है, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मेशन जो है सपोर्ट में है या नहीं, वो हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसने रेजिस्ट किया, यहाँ पर इसने रेजिस्ट किया, यहाँ पर सपोर्ट लेने इसके आसपास आया था, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली सपोर्ट लिया है, रेजिस्ट लिया है, फिर यहाँ पर ये आया है, यहाँ पर भी इसने लिया है। एक्चुअली ये जो है एक जोन होता है, ठीक है, जो सपोर्ट का एरिया होता है वो अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये जोन यहाँ पर टच किया है, ये वाला जोन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितने बार आया है करके, फिर अभी ये वाली, ठीक है। हाँ, तो ये आज के हिसाब से बना था अपना सपोर्ट में। तो पहला पॉइंट क्लियरली अपना क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ।
अपना पहला पॉइंट ओके होता है, ठीक है। ये बन गया था सपोर्ट में, सपोर्ट में बना था कि नहीं, बना था। एंड सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा, डाउन ट्रेंड के बाद इसका फॉर्मेशन होना है। तो डाउन ट्रेंड के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है क्या, देखिए इतना, देखिए इतना बड़ा डाउन ट्रेंड, इसके बाद यहाँ पर हमें हैमर दिखता है। एक बड़ा डाउन ट्रेंड के बाद हमें हैमर दिख रहा है, तो ये पॉइंट भी राइट है, डाउन ट्रेंड भी ओके। और कैंडल में आते तो हैमर के ऊपर अपर वीक नहीं रहना है, राइट। तो कैंडल भी हम लोग चेक कर लेते हैं, इसमें अपर वीक है क्या नहीं। ये रहा हैमर, ठीक है। हैमर में देखिए अपर वीक एकदम छोटा सा है, अब ध्यान से देखेंगे तो है अपर वीक, लेकिन ना के बराबर अपर वीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अपर वीक जो है ना के बराबर रहना है, नहीं रहना है तो बहुत बेहतर, अगर रहा तो भी ना के बराबर रहना है, राइट ओके। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं, अपर वीक ना के बराबर। कलर डजेंट मैटर, कलर के बारे में जैसे मैंने कहा था, तो यहाँ पर जो हैमर बनी है आप लोग जो देख रहे हैं, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि ग्रीन बनेगी तो ही मैं एंट्री लूँगा, लेकिन यहाँ पर रेड बनी है, लेकिन फिर भी इसने अपना टारगेट क्लियरली अचीव कराया है। आज के दिन में ही, एक ही दिन में इसने अपना टारगेट पूरा दिया है, तो कलर रियली डजेंट मैटर, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग टिक कर देते हैं। अभी आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल के बारे में, जो था नेक्स्ट कैंडल बाइंग शुड हैपन। तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो है, यहाँ पर बाइंग हुआ है या नहीं, वो हम लोग क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि नेक्स्ट कैंडल में जो है क्लियरली बाइंग हुआ है, राइट। बता देता हूँ आपको क्लिक करके, ये जो हैमर बना है यहाँ पर, हैमर की बाद वाली इस कैंडल को देखिए, बराबर बाइंग एग्जैक्टली हुआ है, अच्छा खासा बाइंग हुआ है, राइट ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी टिक कर देते हैं, बाइंग भी हो गया। नाउ कंफर्मेशन, हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली आज सुबह हम लोग ने जो हमारा प्रीमियम चैनल है वहाँ पर मैंने पीई दिया था, यहाँ पर पीई दिया था मैंने, और बाई करने के लिए पीई बाई करवाया था। फिर बाद में हम वेट कर रहे थे टारगेट की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये चल रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था, तो मैं वेट किया था। तो जब जैसे ही मैं मुझे कंफर्मेशन मिला, तो मैंने हैमर तो देख लिया था, जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिला तो मैंने उनसे कहा कि पीई एग्जिट करो और सीई बाय कर लो, ठीक है। कंफर्मेशन मुझे कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसका प्रीवियस हाई, ठीक है। देखिए हैमर, यहाँ पर हैमर बना है, और इसका जो यहाँ पर हैमर बना है, और इसका जो प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, हैमर का पहले वाला कैंडल का हाई, जब भी हैमर का पहले वाला हाई जो है, हैमर का नेक्स्ट कैंडल जब भी उसको क्रॉस करता है, मतलब बेसिकली क्लोजिंग बेसिस में देखा जाता है, तो उसके उसमें उसको क्रॉस कर ऊपर सस्टेन करना है। जब भी सस्टेन करता है तो तभी हमें एंट्री लेना है कन्फर्म, तभी कंफर्म हो गया है, तभी हमारे पास जितना पैसा है उसका भी हम एंट्री लगा सकते हैं, और तब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एंट्री कहाँ पर लेनी है, मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया रूल्स के बारे में, हमने 6 रूल्स कुछ देखे थे कि हैमर का 6 रूल्स जो है, जब भी हैमर बनती है तो हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। ये सब रूल्स को देखकर ही हमें एंट्री लेना है, तो कहीं भी हैमर बन जाए उसके बाद हमें नहीं लेना है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इस कैंडल को देखेंगे तो ये भी हैमर जैसा ही दिख रहा है, अपर वीक नहीं है, नीचे से आया है, लेकिन ये इनवैलिड है। सब रूल्स आप इसमें बिठा के देखेंगे तो ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये हैमर नहीं है, तो ये हैमर में हमने रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो है, वो सारे रूल्स जो है यहाँ पर पूरा होता है। हमने इतना सारा 6 रूल्स इसमें रखा था, 6 रूल्स पूरा इसमें पूरा होता है, तभी हम इसमें क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी
जो है इसकी एंट्री और एग्जिट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये जब भी यहाँ पर ये हाई को क्रॉस करता है, मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर हमारा बन जाता है एंट्री, ओके। तो जब भी ये हाई क्रॉस करता है तो यहाँ पर अपना एंट्री बनता है। तो फिर इससे बाइंग हो गया, तो थर्ड कैंडल में हमें क्या करना है, एंट्री करना है। जैसे ही एंट्री हो गया तो हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस को उठाकर इसका हैमर के लो में रख देना है, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस क्या बन जाएगा, हैमर का लो, ओके। अपना स्टॉप लॉस कहाँ बन गया, हैमर का लो। तो अपना टारगेट अभी कहाँ बनता है, अभी बात यहाँ आती है, एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस हो गया, अभी टारगेट क्या है। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि मैंने सिर्फ आज के कैंडल को कंसीडर किया था, तो इसलिए हम लोग जो प्रीमियम ग्रुप में यहाँ पर ही एग्जिट कर लिए थे, अच्छा खासा पैसा यहाँ पर, अच्छा खासा मुनाफा हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ हम, लेकिन फिर भी हम लोग लगभग यहाँ पर बाहर आ गए थे, जो कि गलत था, बिकॉज़ मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया, प्रीवियस डे कैंडल को मैंने नोटिस नहीं किया था, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे बाहर आ गए थे, लेकिन इसकी जो नोटिस नहीं किया था, बिकॉज़ हमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आज का जो कैंडल है उसी को वो रेस्पेक्ट करता है, तो प्रीवियस डे के इसमें वो रेस्पेक्ट करने नहीं जाता है, लेकिन ये आज के दिन में रेस्पेक्ट किया है, तो मार्केट सुप्रीम है, तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब भी ये आती है, ठीक है, मैं ऊपर टारगेट भी लिख देता हूँ, ओके। तो जब भी हैमर बनता है, एंट्री हमें यहाँ पर लेना है, स्टॉप लॉस इसे यहाँ पर रखना है, एंड टारगेट अपना टारगेट बन जाता है टॉप में, जहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ, हैमर जहाँ पर बनता है नीचे, तो इसकी टारगेट बनता है जहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, बायर्स इसे वहाँ तक लेकर जाएंगे ही जाएंगे, तो इसकी टारगेट बहुत बड़ी होती है मोस्टली। तो अगर हम ये सब रूल्स अगर फॉलो कर कर अगर इसमें एंट्री प्रॉपरली एंट्री लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका रूल्स देखना, ठीक है। तो आज का वीडियो में हमने देखा हैमर के बारे में, तो मैं आपको एक बार समराइज करा देता हूँ। हैमर क्या होता है, एक जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है, और ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो जब भी हमें हैमर मिलता है तो हमें सपोर्ट का ख्याल रखना है, सपोर्ट में बन रहा है क्या देखना है, फिर ये डाउन ट्रेंड का एंड में बन रहा है क्या वो देखना है, फिर इसका कोई अपर वीक है या नहीं वो देखना है, फिर इसमें कलर का कोई मायने नहीं है, फिर इसके बाद इस हैमर का नेक्स्ट कैंडल में बाइंग का होना है, उसके बाद हमें क्या करना है, कन्फर्मेशन के लिए वेट करना है। कन्फर्मेशन मैंने क्या कहा, जो ये हाई है, ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई है वो इसका कंफर्मेशन है, जब उसको क्रॉस करता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें बाइंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की जो लर्निंग वीडियो थी हैमर के बारे में, आई होप आप लोग इससे कुछ सीखे रहेंगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बेल आइकन को दबाइए, और नए वीडियोज़ मैं बनाऊंगा। अभी जो हैमर के बारे में बनाया हूँ, आने वाले दिनों में इन्वर्टेड हैमर के बारे में भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो लाइकवाइज हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना मुझसे हो सके, जब भी मैं लाइव मार्केट में इस तरह की चीज़ें देखूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको आज की पोजिशन भी बता देता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये मेरा ज़ीरोधा का ब्रोकर है, मेरी आज की पोजीशन, नेट थोड़ा स्लो है, ठीक है। आज की आप टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो 6,265 रुपीस, ठीक है। तो बेसिकली मैं आज जो है कम लॉट से ट्रेड किया, बहुत ही कम से ट्रेड किया, बिकॉज मार्केट बहुत वोलाटाइल है तो ज़्यादा लॉस नहीं होना है करके, सिर्फ दो लॉट से ही हमने ट्रेडिंग की थी, दो लॉट से ही हमने जो आज का प्रॉफिट कमाया है वो है 6,000 प्लस रुपीज़, ठीक है। तो ये है जो ये पैटर्न का जो यूज़फुल, इतना यूज़फुल हमें हुआ है, ठीक है। ये पैटर्न जब भी बनता है तो
अच्छा खासा प्रॉफिट ज़रूर देता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप मैं आपसे ज्वाइन बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हमारे साथ मिलकर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, फ्री मेंबरशिप है उसमें, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। वो है सिल्वर मेंबरशिप, वो लिंक के द्वारा लिंक को यूज़ कर कर आप मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें मैं मेरा मार्केट का व्यूज़ जो है वो बताता हूँ, जो भी मार्केट में मुझे ऐसी चीज़ें जब भी दिखती है जो मेरे व्यूवर्स को यूज़फुल रहेगी वो सब मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। उससे अलावा मैं फ्री कॉल्स भी उसमें देता हूँ, देने की कोशिश करता हूँ, तो आप आइए और उसमें यूज़फुल यूज़ कीजिए। उसके अलावा मेरा जो प्रीमियम सर्विस भी है मंथली, इसका जो है 1,500 रुपीज़ है। इसमें डेली 3 to 5 कॉल्स दिया जाता है, जो आज की ट्रेडिंग जो भी हुई थी वो सब 6,000 का प्रॉफिट जो आज हुआ था दो लॉट से, वो सारे जो कॉल से प्रीमियम लोगों के साथ शेयर किया जाता है, वो भी हमारे साथ मिलकर हम सब एक मिलकर ही ट्रेड करते हैं। मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ उनको बताता हूँ, जब भी एग्जिट करता हूँ उनको बताता हूँ, लेवल से पहले ही मैं उनको बता कर रखता हूँ ताकि उनको भी यूज़फुल रहे। मैं और बेसिकली सिर्फ कॉल नहीं देता, मैं कॉल के साथ जो चार्ट्स है वो भी हम मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे वो लोग भी कुछ सीखे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरी इस YouTube का चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए और लाइक लाइक दीजिए, और अपने लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिसको जिसके लिए भी यूज़फुल रहे उनके साथ शेयर कीजिए। और आपका कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो मेरा जो WhatsApp नंबर दिया गया है उसमें आप WhatsApp कर सकते हैं या फिर नीचे आप कमेंट कर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए एक नए वीडियो तक। हैव ए नाइस डे।